यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा और अपने से कुछ आंसर भी सोचने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चल पाए कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट हम लोग का है हिंदी, 50 मार्क्स का है, जहाँ पर आपको पता होगा आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। और आप लोग चाहते हैं इसका सब्जेक्ट क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा वीडियो को लाइक करके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन है, फर्स्ट करा देख पा रहे, इनमें से जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? ऑप्शन देख पा रहे दिया आपके सामने में, उमंग है, उत्तरा है, कालरात्रि है, संस्कृत के चार अध्याय हैं, ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग सोचिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी संस्कृत के चार अध्याय, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा कराया देख पा रहे कि क्रोध शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी आपको चुनना है कि क्रोध जो शब्द है ये आखिर कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी पुल्लिंग, क्रोध क्या है पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री कराया देख पा रहे कि आलोक शब्द का विलोम शब्द होता है, आलोक शब्द का विलोम क्या होता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है प्रकाश, अंधकार, रोशनी या फिर नलोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी अंधकार, आलोक का विलोम क्या होता है अंधकार। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देख पा रहे, हिंदी साहित्य की भूमि किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद या फिर रामवृक्ष बेनुपुरी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हरिप्रसाद द्विवेदी, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव कराए, महादेवी वर्मा का जन्म जो स्थान वो कहाँ पे है? महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? देख पाएंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे अगर सही तरह से देख लेते हैं तो। सो क्वेश्चन नंबर फाइव का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स कराए, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर ये जो है शीर्षक कविता के लेखक कौन है? सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर ये जो कविता है इसके लेखक कौन है? सो देखिए क्वेश्चन क्या है, गोपाल सिंह नेपाली नाम सॉरी राम नरेश त्रिपाठी, उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत, ए बी सी डी में क्या आंसर होगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर इस शीर्षक कविता के लेखक है गोपाल सिंह नेपाली। क्वेश्चन नंबर सेवन कराए, नूतन शब्द का विलोम होता है, नूतन जो है इस शब्द इसका विलोम क्या होगा? देख पा रहे पुरातन है, नवीन है, नया है या फिर अर्वाचीन है, ए बी सी या फिर डी, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आप लोग को चुनना है। सो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पुरातन, नूतन शब्द का विलोम क्या होता है पुरातन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट कराए, एक एक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करें, यानी संधि विच्छेद क्या होगा इसका? ऑप्शन देख पा रहे एका प्लस एक, एक जोर एक, एक जोर एक और ए जोर केक। तो इस चारों में से राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक जोर एक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक एक शब्द का संधि क्या होगा एक जोर एक। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन कराए, गोरा शीर्षक रेखा चित्र के लेखक का नाम है, यानी क्या नाम है? गोरा जो शीर्षक जो रेखा चित्र है इसके जो लेखक है उसका नाम क्या है? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिशंकर परसाई। सो क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर दसवां कराए, सद्वाणी जो है शब्द का संधि विच्छेद करें, सद्वाणी शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत जोर वाणी, सदवा जोर नी या फिर सत जोर वाणी या फिर स जोर दवानी। सो क्वेश्चन नंबर टेन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सत जोर वाणी। चलिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह कराए, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के जो है कितने भेद है? चार, छः, पाँच, दो, कौन सा राइट ऑप्शन होगा आप लोग को चुनना है। सो क्वेश्चन नंबर ग्यारह का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पाँच, संज्ञा के कितने भेद है तो पांच भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर बारह देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दया शब्द का लिंग निर्णय करें, दया जो है आखिर क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। सो दया जो है वो क्या है स्त्रीलिंग, सॉरी दया क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग, दया शब्द का लिंग निर्णय करेंगे तो इसका दया शब्द जो है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तेरह कर रहा है, अपना उल्लू सीधा करना अर्थ है, यानी जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा आप लोग को चुनना है। देख पा रहे अपना काम निकालना, उल्लू उड़ाना, उल्लू को दाना चुगाना, उसके बाद बेवकूफ़ी या क्या होगा ए बी सी डी में? तो देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अपना काम निकालना। क्वेश्चन नंबर चौदह में कर रहा है, अपने गाँव में
कुल्हाड़ी मारना, सॉरी अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है। अपने पाँव में कुल्हाड़ी जो मारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? पाँव को घवाहा कर देना या फिर क्या कहते हैं, जानबूझकर अपना नुकसान करना, कुल्हाड़ी से पैर काटना या फिर पैर काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करना। तो इन चार में से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जानबूझकर अपना नुकसान करना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का है, रहीम का पूरा नाम क्या है? खान खाना है, अब्दुल रहीम है या फिर अब्दुल रहीम खां या फिर अब्दुल रहीम खान खाना। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्दुल रहीम खां खान खाना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का है, देख पाओगे प्राचीन, ये जो प्राचीन है इसका विलोम क्या होगा, चीन या फिर अवारचीन या फिर पुराना या फिर धुराना, प्राचीन का विलोम क्या होगा, आप लोग को राइट ऑप्शन चुनना है। तो देखिए यहाँ पे चार क्वेश्चन दिया हुआ है, सो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अवारचीन, प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा, अवारचीन, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि परछन्न का विपरीतार्थक है, परछन्न दिया हुआ है, परछन्न, परछन्न का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, छिपा हुआ या फिर उलझता हुआ, प्रकट या फिर फिसलता हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकट, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ देख पा लूँगे कमल जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, कमल का यहाँ पे निम्न में से कौन सा जो शब्द है जो पर्यायवाची इसका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निर्धि जो कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का है आकाश का पर्यायवाची है, ध्यान से देखिए आकाश का पर्यायवाची है नव, घुलको सॉरी घुलोक, गगन, उपयुक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 करा है कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो देखिए वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है या फिर जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 21 करा है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? देख पा रहे असभ्य वाणी, मृदु वाणी, गाली या फिर अनिर्वचनीय है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अनिवर्चनीय, क्या हो जाएगा अनिवर्चनीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का है कि तीव्र बुद्धि वाला, यानी तीव्र बुद्धि वाला को क्या कहते हैं? देख पा रहे कुशाग्र है, बुद्धिमान है, समझदार है, आज्ञाकारी है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कुशाग्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करा है आरसी प्रसाद सिंह का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देख पा रहे होंगे सिमरिया बेगूसराय है, इरावत दरभंगा है, बाढ़ पटना है या फिर रामनगर बेतिया है। सो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इरावत दरभंगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 24 का आंकड़ा देख पा रहे होंगे कि मुक्का मुक्की में कौन समास है? मुक्का मुक्की जो है वर्ड, इसमें समास कौन सा समास है? देखिए चार ऑप्शन दिए आपके सामने। सो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्विंद समास, क्या हो जाएगा द्विंद समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करा है प्रेमचंद का जन्म किस ग्राम में कहाँ हुआ था, यानी कौन से ग्राम था और कहाँ पर हुआ था? देख पा रहा हूँ ऑप्शन दिया ऑप्शन में सुथी, इलाहाबाद, कटही, पटना, लम्ही, वाराणसी या फिर घरही, लखनऊ। सो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लम्ही, वाराणसी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 करा विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 7 या फिर 8। सो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 27 कह रहा है गुणवाचक विशेषण कौन है? गुणवाचक विशेषण कौन है? यहाँ पे पुराना है, 50 है, 5 क्विंटल है या फिर वह घर मेरा है। तो यहाँ पे आसान से क्वेश्चन पता होगा आपको, गुणवाचक यानी पुराना क्या है, गुण दिखाता है, बाकी 50 ये 5 क्विंटल ये संज्ञावाचक विशेषण है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का है देख पा रहे होंगे इच्छा में प्रत्यय बताएं। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं,
छा दिया हुआ है, छा दिया हुआ है, आ दिया हुआ है या फिर चछा। तो चछा इस चार में से राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी आ। चलो क्वेश्चन नंबर 29 करा कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, चार ऑप्शन देख पा रहे। सो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी सन 1907 में। कब हुआ था तो सन 1907 में। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 30 करा क्या करा है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जो है इसके रचनाकार कौन है देख पा रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, प्रेमचंद्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है या फिर सोहन लाल द्विवेदी। सो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम कह रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ लिखना बोलते हैं आपको, तो अच्छी तरीके से खड़ा होना। उसके बाद है स्वावलंबी होना, एक पैरों पर खड़ा होना या फिर तैयार होना, चार ऑप्शन दिए हुए आपके सामने में। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी स्वावलंबी होना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है रहीम की दोहावली में कितने दोहे संग्रहित है। रहीम की दोहावली में जो है कितने दोहे संग्रहित है, 50, 100 या फिर 200 या फिर 300। सो क्वेश्चन नंबर दो का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 300। कितने हो जाएगा, 300। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, देख पा रहे होंगे जल शब्द का पर्यायवाची होगा यानी जल जो है शब्द है इसका पर्यायवाची यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से कौन सा राइट पर्यायवाची शब्द का आपको चुनना है। देख पा रहे होंगे असी है, मद है, नीर है और पीयूष है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी नीर। जल को पर्यायवाची शब्द जो होता है नीर भी होता है, जिसको जल को नीर भी कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का देख पा रहे होंगे हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था। सॉरी कहानी हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था, देख पा रहे ऑप्शन है 1920, 1922, 1924, 1926। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सन 1924 ईस्वी में। कब हुआ था तो 1924। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का कलम का सिपाही किस रचनाकार को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर है, प्रेमचंद है, रामेश बनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कलम का सिपाही बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी। कलम का सिपाही किसे कहता है तो प्रेमचंद्र को कहता है। यहीं पे आपको पूछा था कलम का जादूगर तो हो जाएगा रामरुचि बेनीपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का देख पाएंगे जीवन और यौवन के रचिता है। जीवन और यौवन जो है इसके रचिता कौन है, गोपाल सिंह नेपाली या फिर सुमित्रा नंदन पंत या फिर आरसी प्रसाद सिंह या फिर राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी आरसी प्रसाद सिंह। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 7 का देख पा रहे होंगे कि प्रेमचंद्र का जन्म जो है कब हुआ था। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, 1880 है, 1890, 1902 है और 1960 है। तो प्रेमचंद्र का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1880 यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। साथ का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1880। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का देख पा रहे होंगे कि नाच न जाने अंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ होता है। नाच न जाने अंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, देख पा रहे होंगे चार ऑप्शन है, नाचना नहीं आना, काम न जानना और बहाना बनाना, टेढ़ा आंगन या फिर नाचना गाना। सो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी काम न जाना जानना और बहाना बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 करा देख पा रहे होंगे पीताम्बर जो कौन से समाज से, पीताम्बर कौन सा समाज से, देख पा रहे होंगे चार ऑप्शन दिया आपके सामने, अव्ययीय भाव समाज, अव्ययीय भाव समाज। उसके क्वेश्चन नंबर 9 कराए देख पा रहे हैं पीताम्बर जो कौन सा समाज से, चार ऑप्शन देख पा रहे, अव्ययीय भाव समाज, द्विंगु समाज, द्विंदु समाज और बहुवीरी समाज। राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी बहुवीरी समाज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 कराए पंच की जुबानी से कौन बोलता है। पंच की जुबानी से कौन बोलता है, देखिए दिया हुआ मुखिया है, अधिवक्ता है, सरपंच है, खुदा है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी खुदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करा लालच ये शब्द है लिंग निर्णय करने बोलता है, क्या है लालच, पुरलिंग, स्त्रीलिंग या फिर उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लालच जो वह स्त्रीलिंग है, पुरलिंग है, स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 11 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर बताएं कि विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला कौन देश है। तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के हिसाब से बात करें तो कौन है, पता होगा आप सभी को कौन है, भारत है, कौन है, भारत, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एरी चोटी
सॉरी एरी चोटी का पसीना एक कठिनाई का अर्थ है, यानी इसका अर्थ क्या होगा, कठिन परिश्रम करना, एरी से पसीना निकालना, पसीना बहाना या फिर चोटी का पसीना नहीं निकलना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डायरेक्ट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कठिन परिश्रम करना, क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का देख पाएंगे, रहीम का जन्म जो कहाँ हुआ था, रहीम का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए ये आपके सामने में हरियाणा है, लाहौर है, लुधियाना है या फिर कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाहौर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रहीम का जन्म जो है कहाँ हुआ था, लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का है, जीवन संदेश शीर्षक कविता के कविता जो है किस खंड काव्य से उद्धृत है। देखिए चार ऑप्शन है, मिलन स्वप्न पाथिक या फिर कविता कौमुदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पाथिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 करा देख पाएंगे कि हस्व का विलोम है, हस्व जो है इसका विलोम क्या होगा, हल्का दीर्घ भारी या फिर अपना। तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दीर्घ, हर्ष का विलोम क्या है, दीर्घ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का देख पाएंगे, उन्नति का विलोम है, उन्नति जो है इसका विलोम क्या होगा, प्रगति, चाल, अवनति या फिर ऊपर। उन्नति का देखिए क्या हो जाएगा, तो उन्नति का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अवनति, उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा, अवनति। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का है, सुमित्रानंद पंत का जन्म जो है कहाँ हुआ था। देखिए ऑप्शन है बेतिया बिहार है, कौसानी उत्तरांचल है, और सिमरिया बेगूसराय या फिर फारुखाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का देख पा रहे, सूरज जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, सूरज किसका पर्यायवाची शब्द है, देख पा रहा हूँ चार ऑप्शन दिया हुआ आप सामने में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का है, सुंदर का पर्यायवाची है, सुंदर जो है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चारु है, ललित है, उसके बाद मंजुल है, उपयुक्त सभी, क्या होगा, 20 का राइट ऑप्शन आप लोग को बताना है। तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का देख पाएंगे, पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र को क्या कहते हैं, ये भी आसान सा आपको क्वेश्चन का पता होगा, पोता कहते हैं, नाती कहते हैं, बेटा कहते हैं या फिर बेटी कहते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है, पुत्री का पुत्र को क्या कहते हैं, नाती कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 करा है, कलम का कमाई, सॉरी कलम का कमाई खाने वाला वो क्या कहते हैं, यानी जो इंसान कलम के कमाई से खाता है उसको क्या कहते हैं, कलमी, पढ़ा लिखा या फिर मसीहजीवी या फिर अनपढ़। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, मसीहजीवी होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप लोग हाँ, तो यहाँ पे पढ़ा लिखा शायद नहीं, मसीहजीवी होगा, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करा देख पा रहे होंगे कि किसकी उक्ति है, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। यहाँ पे ये किसकी उक्ति है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी खालाजान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का है, चीरी मार में समास है, यानी चीरी मार जो है इसमें कौन सा समास है। तो चीरी मार में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है ये, तो तत्पुरुष ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, तत्पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का देख पा रहे, 25 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, भाषण के लिए सबसे अच्छा विशेषण क्या होगा, देख पा रहे। तो राइट ऑप्शन जाएगा ओजस्वी, क्या हो जाएगा, ओजस्वी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषण के लिए सबसे अच्छा विशेषण क्या है, ओजस्वी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, क्वेश्चन कह रहा है किस पाठ में आया है कि विविधता किस पाठ में आया है कि विविधा जो है अकेले ही कब रही, विविधता जो है अकेले ही कब रही, किस पाठ से आया है। तो ये पाठ आया मंगर से आया, किससे आया, मंगर, यानी 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 का देख पा रहा हूँ, कह रहा है कि कमीज का लिंग निर्णय करें, कमीज जो क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर क्या कहते हैं, उभयलिंग, यानी में से कोई नहीं। तो कमीज जो है वो क्या है, कमीज हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, पुल्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 का अगर देख पा रहे कि हताहत का विच्छेद होता है, हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए ऑप्शन चार दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से सी हो जाना चाहिए, हतजोर आहत, हाँ सही होगा, हताहत का संधि विच्छेद हतजोर आहत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 28 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का राय देख पा रहे कि अपमान में उपसर्ग बताएं, अपमान में जो है उपसर्ग बताएं, उपसर्ग कौन सा है, अपमा है, उपमा है या फिर अपमेय है या फिर अप है। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, यानी अप,
अपमान उपसर्ग जो जो भी वर्ड होते हैं उसके पहले वाले लेटर को उपसर्ग कहते हैं, पहले जो रहता है और लास्ट में जो लगता है उसको हम कहते हैं प्रत्यय। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो अपमान में जो है अप जो है यहाँ पे क्या है उपसर्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करा है जो कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन करा है फलित में प्रत्यय बताएं। फलित में जो है प्रत्यय बताएं, लित है या फिर इत है या फिर लित या फिर तो। तो जैसे कि मैं आपको बताया हूँ अभी प्रत्यय पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्रत्यय इसका इत हो जाएगा। फलित लास्ट में इत सही प्रोनाउंसिएशन आता है तो इसका प्रत्यय हो जाएगा इत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करा सॉरी यहाँ पे महर्षि जो है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक का सी हो जाएगा, यानी महाजोर ऋषि। क्या हो जाएगा महाजोर ऋषि ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है, कमर कसना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन देख पा रहे, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी दृढ़ निश्चय करना कर लेना। चलिए आए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा देख पा रहा हूँ क्या कह रहा है, जिसके दस आनन है, जिसके दस आनन है उसे क्या कहते हैं। देखिए दिया हुआ आपके सामने में दसन है, दसानन है, दसन दसनन है और दसज है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दशानन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा देवता शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी देवता क्या क्या है। यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवता जो है पुरलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख पा रहे, बुढ़ापा शब्द है, यानी बुढ़ापा शब्द जो है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा शब्द क्या है, तो बुढ़ापा शब्द जाएगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहा हूँ, जीवन शब्द का विशेषण है, जीवन जो है इसका विशेषण क्या होगा। देखिए चार ऑप्शन है, जैविक है, जंतु है, जीत उसके बाद जीवन है, जीवित है। तो यहाँ पे सॉरी जीव है, यहाँ पे जीव शब्द का विशेषण, तो जीव शब्द का विशेषण क्या होगा यहाँ पे जैविक हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जैविक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करा, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं, हिंदी में वचन के कितने प्रकार है, ऑप्शन है 1 2 3 4। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा, इनमें से राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन है, इनमें से कौन सी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जीवन संदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कराया, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म जो कब हुआ था, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था। देखिए ऑप्शन 1903 है, 1906, 1911 और 1899। तो राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1911। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का देख पा रहे, कारण कारक का विभक्त चिन्ह है, यानी कारण जो ये कारक का कौन सा विभक्त चिन्ह है, को दर्शाता है के या फिर मैं या फिर से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कविता कौमुदी के कवि है, कविता कौमुदी जो इसके कवि कौन है, रहीम है, तुलसी है, राम नरेश त्रिपाठी या फिर रामधारी सिंह दिनकर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राम नरेश त्रिपाठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा, नेता शब्द का स्त्रीलिंग है, यानी नेता जो है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नेत्री या फिर हीरोइन या फिर नेत्रु या फिर नेतावाइन। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नेत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा देख पा रहे होंगे, लाल मणि किसका नाम था, लाल मणि जो किसका नाम था, बछरे का, गाय का, खरगोश का या फिर मोर का। तो लाल मणि किसका नाम था आप लोग पता होगा पढ़ेंगे तो 13 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बछरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा, मंगल की विधा बताएं, मंगल की जो विधा बताना है आपको, क्या कहता है ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, कहानी रेखाचित्र या फिर शब्द चित्र या फिर क्या कहते हैं स्मरण, अस क्या कहते हैं संस्मरण, संस्मरण। चलिए कुछ तो 14 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शब्द चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं पे रेखाचित्र शायद लिखा रहता है तो यहाँ पे शब्द चित्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करा देख पा रहे, मंगल का स्वभाव क्या था, मंगल का स्वाभिमान कैसा था, मंगल का स्वाभिमान जो कैसा था। तो 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 दिया आपके सामने, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यानी गरीबों में स्वाभिमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 16 कराया कि रहीम किस राजा के दरबार में रहते थे, रहीम जो है कौन किस राजा के दरबार में रहते थे। यहाँ पे चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, औरंगजेब है, शाहजहां, अकबर और बाबर है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं अकबर के, आप लोग पता होगा इस सबका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कराया कि कलई खुलना, कलई खुलना का अर्थ है, कलई खुलना का अर्थ क्या है। देखिए ऑप्शन हाथ टूटना है, भेद प्रकट होना, हाथ की पट्टी खुलना या फिर कलाई टूटना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भेद प्रकट होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे क्या हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी
क्या कहते हैं, परंपरावादी होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का देख पा रहे, जीवन शब्द कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। जीवन संदेश जो कविता है इसमें कवि ने क्या संदेश दिया है। देखिए ऑप्शन चार दिए हूँ आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी जगह ने सतत कर्मशील रहने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करा क्या करा है कि सृष्टि का विलोम जो है क्या होगा। चार ऑप्शन दिया आपके सामने, तो 20 का ऑप्शन की बात करूँ तो 20 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी प्रलय, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करा कि बनारस आने पर पंत जी का साक्षात्कार किनके साथ हुआ। देखिए चार ऑप्शन है 11 का, किसका, तो चार ऑप्शन की बात, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सरोजनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरोजनी नायडू और रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा क्या करा है कि पुरस्कार का विलोम है क्या है। देख पाऊंगे दंड है, परिश्रमिक है, उसके बाद सम्मान है या फिर अपमान है, तो पुरस्कार का क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन देख पा रहे, तो 22 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देख पा रहे हो क्या, संपत्ति का विलोम है, संपत्ति जो है इसका विलोम क्या होगा। देखिए ऑप्शन चार ऑप्शन दिया क्वेश्चन में, तो राइट ऑप्शन की बात करूँ 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी विपत्ति, संपत्ति का विलोम क्या था, विपत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करा क्या करा कि कौन विद्वान का पर्यायवाची है, कौन यहाँ पे इनमें से विद्वान जो इसका पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए सुधी है, कोविद है, धीर है और सभी है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कराए किस पाठ में आया है, अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती, ये किस में आया है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी पंच परमेश्वर, क्या हो जाएगा, पंच परमेश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कराए कौन जल का पर्यायवाची है, यहाँ पे निम्न में से कौन जो है जल का पर्यायवाची है, नीर है, तो है, वरी है, उपयुक्त सभी, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 26 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 27 करा देख पाएंगे संध्या और रात्रि के बीच की बोला डैश कहलाती है, क्या कहलाती है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया आपके सामने, तो 27 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी गोधूली, क्या हो जाएगा, गोधूली, 27 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 28 कर देख पा रहे, चंद्रशेखर में समास है, क्या है समास है, चार ऑप्शन देख पा रहे, तो 28 का ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी यानी बहुव्रीहि समास, 28 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 करा क्या करा है कि मंगर की पत्नी का क्या नाम था। देखिए चार ऑप्शन दिया आपको, सितुआ है, भकोलिया है, उसके बाद मलुआ है या फिर सावित्री है, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा 29 का, पता आप सभी को भकोलिया था, क्या नाम था, भकोलिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करा देख पा रहे, किस पाठ में आया कि मनुष्य के स्वभाव में बहुत संकीर्णता और विरूपता है, ये देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, तो चार ऑप्शन में से क्या ऑप्शन जाएगा, चार ऑप्शन राइट ऑप्शन की बात करें तो 30 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और